गाइस आप सब में से 90% लोगों को पता होगा ये क्या है। तो गाइस नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, ये है ड्रिल मशीन जो कि दीवार पे छेद होने के लिए काम आता है। बाबा वाला इसको थोड़ी ना छेद करेंगे। गाइस हम आपको इस पे छेद करके दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ड्रिल मशीन से छेद हो गया है। तो गाइस हमको जरूरत है इसको कट करने के लिए, तो हमारे पास कटर मशीन तो है नहीं, तो इसलिए हम कुछ इस ड्रिल मशीन में जुगाड़ करने वाले हैं और हम इस ड्रिल मशीन को ही कटर मशीन बनाने वाले हैं जो कि इसको और लोहे को कट कर सके। हमको थोड़ा सा लोहे का सरिया कट करना है और अगर कट करके देखेंगे ब्लेड अगर चलेगा तो इसको भी कट करके देखेंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहें, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको खोल के जुगाड़ सेट कर लेते हैं क्योंकि हमको इसको कटर मशीन। तो गाइस जब तक हम जुगाड़ को सेट कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने इस पे ब्लेड को लगा लिया है और ये हमारे पास एक एंगल था उसको हमने कट करके इस पे सेट कर लिया है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे कुछ इस प्रकार और इसको कर देंगे हम टाइट। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये हमारा ड्रिल मशीन अब कटर मशीन में बदल गया है। तो गाइस अब हम कुछ कट करके देखते हैं कट होता है या फिर नहीं। तो गाइस आप लोग तैयार हो गए, हम इसको कट करके देखते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने इस ड्रिल मशीन से कटर मशीन बना लिया है और आपके सामने लकड़ी को कट कर रहे हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखा हमने पटरे को कट किया और अब बारी है हम सरियों को कट करके देखेंगे क्या सरिया कट पाता है या फिर नहीं। तो गाइस ये देखिए ये सरिया टेढ़ा हो गया था तो इसको हमको ये हम सीधा नहीं कर पाए तो इसलिए हम इसको कट करके इसको छोटा करेंगे यहाँ से। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहें। गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारा सरिया थोड़ा सा कट हो चुका है। तो गाइज ऐसे हम इसको सही से दो टुकड़े में कर लेते हैं।
गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने इस कटर मशीन की मदद से, इस ड्रिल मशीन से कटर मशीन बनाया और कटर मशीन से इस सरिये को दो टुकड़ा किया। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नया देखने को मिला हो, तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।